हमें बहुत सारा होमवर्क मिला है जो कि बहुत मुश्किल भी है, हम कैसे कर पाएंगे? मुझे खुद नहीं पता है। सुनो शिजुका, क्यों ना हम साथ में ये होमवर्क करें? अगर हम साथ में होमवर्क करेंगे तो वो जल्दी खत्म हो जाएगा, है ना? सही कहा, यही करते हैं। नोबिता, तो क्या तुम्हारा मतलब तुम्हें होमवर्क आता है? हाँ बिल्कुल, नोबिता खुद से तो एक भी सवाल का जवाब नहीं दे सकता। तुम दोनों कहने क्या चाहते हो? सच में ही बहुत बुद्धू लड़की हो। तुम्हारे बस की कुछ भी नहीं। अब मेरा होमवर्क करने का बिल्कुल मन नहीं। आज पहली बार मैं होमवर्क करना चाहता था, लेकिन सबने मेरा मजाक उड़ाया। ये तो होमवर्क ना करने का कोई बहाना नहीं हुआ। तुम सही कह रहे हो। अरे यहाँ इतनी गर्मी क्यों लग रही है? क्या तुमने कोई स्पेस हीटर लगाया है? तुम्हें ऐसा लग रहा है? दरअसल आज बहुत ठंड थी ना, तो मैंने शेल्बी वॉर्म पहन लिया था। शेल्बी वॉर्म? हाँ। ये कोई बॉडी वार्मर है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इट्स शेल्बी सेट। अरे ये क्या है, कोई शेल कलेक्शन? शेल जो मुलायम है, शेल जो सेल्फ रिफ्लेक्टिव है, इन सब के इतने अजीब अजीब नाम क्यों हैं? इन शेल को पहनने से इंसान वही करता या महसूस करता है जो शेल पर लिखा है। तुम्हारा मतलब क्या है? रुको मैं समझाता हूँ। जैसे ये है शेल बी मोटिवेटेड। पीछे घूम जाओ जरा। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये होमवर्क करना बहुत जरूरी है और मैं ये करके रहूँगा। हाँ पर जरूरी नहीं कि तुम सही जवाब ही दोगे। मैंने कर दिया। हेलो शिजुका, क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया? अभी तो कुछ भी नहीं हुआ और मैं थक भी गई हूँ नोबिता। हाँ क्या कहा, इसका मतलब तुम्हारा होमवर्क हो गया? हाँ, मोटिवेटेड शेल की मदद से। अरे बिल्कुल, मैं तुम्हें भी ये दे सकता हूँ। मैं बस अभी आया, शिजुका के घर जा रहा हूँ। अरे जियान, क्या तुमने होमवर्क कर लिया? नहीं अभी नहीं, मैं सुनियो के पास जा रहा हूँ, वो इसमें मेरी मदद करेगा। हाँ ये तो गलत बात है, पता है मैं तो अपना होमवर्क कब का खत्म कर चुका। क्या कहा तुमने, होमवर्क कर लिया? यही सच है, मोटिवेटेड शेल की मदद से मैंने अपना होमवर्क कर लिया। लाओ इसे मुझे दे दो। अरे मुझे ये वापस दे दो, मुझे ये शिजुका को देना है। क्या तुमने कुछ कहा? इसकी मदद से मेरा भी होमवर्क जल्दी हो जाएगा। डोरेमोन, ये उसने ठीक नहीं किया। ठीक है, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। मैं शेल्बी स्विच का इस्तेमाल करूंगा। पर ये शेल करता क्या है? इससे किसी और का पहना हुआ शेल बदला जा सकता है। इनविजिबल क्लॉथ। मुश्किल है, मुझसे नहीं हो रहा। अगर काम करने का मन हो तो कोई भी काम किया जा सकता है, देखो मैं कितनी आसानी से कर रहा हूँ। हाँ कमाल है, ये तुम कैसे कर पा रहे हो जियान, मुझे भी तो बताओ। क्योंकि मैं बहुत होशियार हूँ समझे। इतनी तेजी से तो तुम्हारा होमवर्क जल्दी खत्म हो जाएगा। शेल्बी मिस्टेक से बदल जाओ। अरे जरा एक मिनट रुको। ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे अपना काम करने क्यों नहीं देते? माफ करना जियान, ये सब गलत है। क्या कहा तुमने, सुनियो? ये सच है। उल्टा फूल कोतवाल पर नाचे, आसमान में गिरा, स्विमिंग पूल में डूबा, ये सब गलत है। नहीं नहीं, सुनियो पर भी यही शेल लगा देता हूँ। कहावतें बहुत पहले से बनी हुई है, जो बनी है वही ठीक है। बहुत बोल रहे हो, तुम्हारा होमवर्क तो देखें, ये भी तो सब गलत है। हाँ क्या लिखा है तुमने, देख रहे हो तुम, सब कुछ गलत है। हाँ इसमें गलत तो कुछ भी नहीं। क्या कहा, इसमें कुछ गलत नहीं है? हाँ सही तो है। और फिर तो ये भी सही होगी कि बंदर क्या जाने गाजर के हलवे का स्वाद। तो हमारा काम हो गया है, अब हम घर चले। हाँ पर मेरा अभी मन नहीं भरा। पर अब बहुत हो चुका नोबिता, चलो ना। अरे तुमने ऐसा क्यों किया? कुछली हो रही है। नोबिता तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। रुको रुको। ये लो। जियान के मिस्टेक्स के शेल को भाईचारे के शेल से बदल दो।
ये क्या हो गया? इसकी हिम्मत हुई मेरे घर में बाल फेंकने की? परिचय वाले शेल को जियान पर लगा दो। मुझे ये बताओ कि क्या तुम दोनों ने ये बॉल यहाँ पर फेंकी है? देखिए अंकल, मेरा नाम जियान है, तुम भी बोलो। मैं क्या बताऊँ जियान, हम दोनों की गलती है। अच्छा ठीक है जी, मेरा नाम है सुनियो। ये अच्छी बात है कि तुम दोनों ने अपनी गलती मान ली है। जी हाँ। पर फिर भी मैं तुम्हारे मम्मी पापा से बात करूँगा कि वो तुम्हें अच्छी तरह से समझाएं। हे सुनियो, तुम्हारे पीछे तो कुछ लगा हुआ है। तुम्हारे पीछे भी है? अरे अच्छा ये बात है, मुझे लग ही रहा था कि कुछ गड़बड़ जरूर है, और ये नोबिता का ही काम है। मैं क्या करूं? अरे मैंने लगा दिया भागने वाला शेल। तुम मुझे नहीं देख सकते हो। नहीं नहीं नहीं, सही जी तुम्हें देख लेना। तुमने मुझ पर खुजली वाला शेल लगा दिया, ये गलत बात है। मुझे मेरा शेल सेट वापस दो। धराने वाला शेल। तुमने मुझ पर खुजली वाला शेल लगा दिया, ये गलत बात है। मुझे मेरा शेल सेट वापस दो। नो बेटा, तुमने मुझ पर खुजली वाला शेल लगा दिया, ये गलत बात है। मुझे मेरा शेल सेट वापस दो। नो बेटा, तुमने मुझ पर। ये तो बहुत मजेदार है। हाँ मैं समझ गया, एक मैं भी लगा लेता हूँ। आखिर इनमें से कौन सा सबसे अच्छा है? पॉकेट मनी शेल। पता नहीं इसे लगाने से क्या होगा। अरे बेटा सुनो। हाँ जी। पता नहीं मैं ये क्यों कर रहा हूँ, पर ये लो पॉकेट मनी। हाँ? चलता हूँ। आपका शुक्रिया। वाह ये कमाल का है। नोबिता मिल गया, अब तुम नहीं बच सकते। नोबिता, तुमने अभी तक हमें बहुत परेशान किया। अब देखते हैं क्या होता है। अरे सुनो सुनो, अरे मैंने तुम्हें कोई और समझ लिया था। लाओ दो। लेकिन सुनिए तो, मुझे पता नहीं क्या हुआ लेकिन अच्छा ही हुआ। अब इसे ट्राई करते हैं। अरे ये क्या हुआ, ये नोबिता इतना बड़ा कैसे हो गया? The giant shell. अब इस तरह खेलना ठीक नहीं रहेगा। याद आया, मैं तो शिजुका के घर जा रहा था। शिजुका, माफ करना मुझे देर हो गई, गुस्सा नहीं ना। ये वो शेल्स हैं जिसके बारे में मैंने बताया। अरे इनमें से कौन सा शेल था? हाँ ये वाला था, शेल बी मोटिवेटेड। तुम इसकी मदद से अपना होमवर्क जल्दी खत्म कर लोगी। हाँ तुम्हारा शुक्रिया। ला 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 ला। मैं घर आ गया। नोबिता, तुमने ये अच्छा नहीं किया। अरे डोरेमोन, मैं तो बस खेल रहा था। मैं कभी तुम्हें ये दोबारा नहीं दूंगा। देखो तो सही इनका क्या हाल है। अरे तुमने शिजुका को शेल भी मोटिवेटेड नहीं दिया क्या? हाँ दिया ना, पर वो तो यहीं पर है, ये देखो। हाँ? तो फिर मैं उसे कौन सा शेल दे आया? एक मिनट रुको, मैं देखता हूँ। इसमें गोस्ट शेल नहीं है। बताओ ना जरूरी बात क्या है। जल्दी क्या है बताता हूँ, रुक जाओ, तुम्हें प्यास लगी है? अब जब तुमने पूछा ही है तो मुझे लगता है कि हमें कुछ पी लेना चाहिए। आप सभी का स्वागत है।
तो बताइए मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? हाँ, हम सब कुछ पीना चाहते हैं, तो हमारे लिए प्लीज कोई ड्रिंक लेकर आइए। उसे हिंदी समझ आती है। ये कौन है सुनियो? ये सोमलियर है, मेरे पापा के नए एम्प्लॉय। वो क्या है? सोमलियर वो लोग होते हैं जो बड़े बड़े और महंगे रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं। ये लोगों को खाना तो परोसते ही हैं, साथ में लोगों को ड्रिंक्स चुनने में भी मदद करते हैं। तो ये लोग ड्रिंक्स चुनते हैं क्या? तुम्हें पता है दोस्तों, इन्हें मेरे पापा ने मेरे जूस को सिलेक्ट करने के लिए रखा है। हमारे घर में और भी कई सारे सोमलियर्स हैं। अब मेरी बात सुनिए, शिजुका के लिए अच्छा सा जूस ले आइए प्लीज। जी अभी लाता हूँ। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि इनका पसंदीदा जूस कौन सा है। ये किस तरह का जूस है? इस जूस को पीने के बाद आपको ऐसी राहत मिलेगी कि आप इन गर्मियों को भूल जाएंगी। ये बहुत ही ठंडा और एकदम ताजा है। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, मैं यही पीऊंगी। जी अभी लाता हूँ। ये तो बहुत अच्छा है। आखिर तुम लोग इस मामूली जूस से इतना खुश क्यों हो रहे हो? ये प्रीमियम जूस एक अच्छे से बनाया हुआ कमाल का मिश्रण है, जो कि ताजे संतरों से बनाया गया है। उम्मीद करता हूँ ये जूस आपको पसंद आया होगा। ये दुनिया की खास चीजों से ही जूस बनाते हैं, समझे तुम नोबिता? मेरे भी घर में एक ऐसा सोमिलियर है। पर तुम्हें ये कहने की क्या जरूरत थी? मैं क्या करता, जूस बहुत ही अच्छा था। तुम मेरी दोस्त हो ना डोरेमोन, प्लीज मेरी मदद करो। क्या कहा? तो सब लोग दोपहर में घर आ रहे हैं। ये सब इतना आसान नहीं होगा। एक मिनट, मैंने सुना है कि फ्यूचर के डिपार्टमेंटल स्टोर में रोबोट्स किराए पर मिलते हैं। मैं सही कह रहा था? साथ ही साथ मैंने ये भी सुना है कि इसे मुफ्त में ट्राई कर सकते हैं। पता नहीं कहाँ रह गया, इतनी जल्दी थोड़ी आ जाएगा। आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप? डोरेमोन देखो क्या ये वही है? मैं आपको वो सब कुछ बना कर दूंगा जो आप चाहते हैं। सब कुछ? जी हाँ, मैं ड्रिंक्स, खाना, स्नैक्स और सब कुछ चुनने में आपकी मदद कर सकता हूँ। बढ़िया है, हम बच गए डोरेमोन। जी हाँ, टेस्ट करने के लिए हमें स्नैक्स ला कर दीजिए। हमने अभी लंच नहीं किया, कुछ हल्का ही खाएंगे। जी हाँ? अभी लाता हूँ। मेरे पास सब कुछ है। ये स्नैक हल्का तो है ही, साथ ही नरम है और इसका स्वाद भी बहुत ही निराला है। क्या आपको डोरा केक का प्रीमियम स्वाद पसंद आया, बताइए मुझे। उम्मीद है पसंद आया होगा। मीचान, तुम कितनी अच्छी हो, कितनी प्यारी हो। ये कितना टेस्टी लग रहा है। जी ठीक है, ये लीजिए, मैंने आपके लिए ये चुना है। चलो खाते हैं। अजीब सा टेस्ट है। अरे बात क्या है, इसमें तो बीन जाम ही नहीं है। इसी वजह से तो ये इतना हल्का होता है। अच्छा नहीं लग रहा। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे लगता है कि ट्रायल पीरियड में ये इसी तरह चलने वाला है। ऐसा कीजिए, जूस ले आइए, ऐसा जूस जो प्रीमियम क्वालिटी का हो, एकदम तरोताजा कर दे। जैसा आप लोग कहें। मेरे पास सब कुछ कमाल का है। बताइए ऐसा जूस कैसा रहेगा जो आपको ताजगी से भर दे और ऐसा लगे कि ठंडी हवा का झोंका आया हो। ये क्या बोल रहा है? बिल्कुल ऐसा जैसे कि सदन फ्रांस से आया हुआ ठंडी हवा का कोई झोंका हो। बढ़िया है, शिजुका को ये कितना अच्छा लगेगा। अच्छा लग रहा है, वही दीजिए। तो ये लीजिए आपका जूस। ये तो नॉर्मल जूस है। ठंडी हवा का झोंका तो नहीं आया। यहाँ से आएगा हवा का झोंका। मम इसके लिए बहुत डांटेंगी। नोबिता तुम्हारा फोन आया है। हेलो, मैं नोबिता हूँ। तुम उन्हें लंच पर बुलाने वाले हो नोबिता, तो क्या हम सब लोग आ जाएं? सुनियो, अभी नहीं, कुछ देर बाद। ठीक है, मैं समझ गया, आ रहे हैं। अरे सुनो ना, जूस भूल जाइए, कुछ खाने के लिए मंगाइए, वो बस आने ही वाले हैं। ठीक है, जैसा आप कहें। मेरे पास सब कुछ कमाल का है। तो बताइए, क्या आप बाहर के नज़ारे के साथ कुछ स्मोक्ड फिलिंग की सुगंध से भरा ब्रेड खाना पसंद करेंगे? उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। बाहर का नज़ारा, तुम्हें क्या लगता है? हमें भरोसा करना ही होगा डोरेमोन। आखिर ये कहाँ जा रहा है? जरा रुकिए, ये लीजिए। अरे ये क्या है? मुझे तो कुछ अजीब सा लग रहा है। तो लीजिए ये रहा। ये क्या? अरे आप दोनों इस फिलिंग के स्मोक का मजा लीजिए और साथ में ये ब्रेड खाइए, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। ये तो बहुत ही मजेदार है। मुझे पहले ही पता होना चाहिए था। डोरेमोन इसको बोलो कि हमारे साथ मजाक करना बंद करे।
नोबिता ये लोग आ गए। हम वो कमाल का लंच खाने आए हैं जिसकी तुमने बात की थी। अरे तुम अपने सोमिलियर को साथ क्यों लाए हो? मुझे पता था तुम्हारा लंच अच्छा नहीं होगा, इसलिए मैं इनको साथ ले आया। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मैंने आपके लिए कैसा मेन्यू तैयार किया है। इस मेन्यू में सभी चीजें बहुत ही कमाल की हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही पसंद आएगी। खाना इतना लजीज होगा कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये सब सुन के ही मुंह में पानी आ रहा है। तुम्हें खाने तक का इंतजार करना चाहिए। सच में मेरा वो सब खाने का बहुत मन है। बेवजह हमारा। और ये लंच बहुत ही खास होगा क्योंकि इसमें दुनिया की बहुत अच्छी अच्छी चीजें होंगी। हम इसे कभी भी नहीं जीत सकते। अब आपकी बारी है, अपने लंच के बारे में बताइए। ठीक है, मेरे पास बहुत कुछ कमाल का है। ये है कमाल का खास तौर पर आपके लिए बना एक बहुत ही उम्दा लंच। और इस लंच को खाने के बाद आप वाह वाह करेंगे। अरे वाह, कमाल हो गया। सुनने में ये भी अच्छा है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरा जो लंच है वो वाकई कमाल का है। आखिर हमें कितना दूर जाना है? मैं चल चल कर बहुत ही थक चुका हूँ। कोई मुझे बताएगा कि आखिर हम कितना दूर जाने वाले हैं? तो आ गई आपकी मंजिल। पर रास्ता तो खत्म हो गया है। जरा मुझे एक मिनट दीजिए। क्या करें? तो आ जाइए मेरे साथ। क्या आप सभी को पता है कि एक असली खजाने की खासियत क्या होती है? उसकी खासियत होती है उसके अंदर का दिल मोह लेने वाला रत्न। हाँ बिल्कुल, उसके अंदर का चमचमाता हुआ हीरा, जिसे हर कोई पाना चाहता है, मैं भी। कमाल है। मुझसे रुका नहीं जा रहा है। क्या ये सब असली में होगा? जी हाँ। क्या आप नीचे उतरेंगे? जरा मेरे लिए रुको। जो अगला खजाना है वो समंदर का खजाना है, और ऐसे नमकीन स्वाद से भरा हुआ है कि आप सागर की लहरें महसूस करेंगे। लेकिन ये समुंदर का खजाना रेगिस्तान में क्या कर रहा है? हमें पहुंचने में और कितनी देर लगेगी? मुझे बहुत भूख लग रही है। जब आप अपने उस खजाने तक पहुंचेंगे, तब आपको मिलेगा स्वाद का एक सीक्रेट खजाना अपने दोस्तों के साथ। मैं वो खाना चाहता हूँ। मुझे भूख लगी है। ध्यान से, मेरी भूख से जान निकल रही है। हम खाएंगे तो सब साथ में ही खाएंगे। नोबिता हिम्मत मत हारना। क्या आप एक कमाल के लंच का मजा नहीं लेना चाहते हैं? मुझे भूख लग रही है। आखिर यहाँ हो क्या रहा है? अरे ये क्या है? ये जगह तो कमाल की है। कितना खूबसूरत है। हमें भूख लग रही है। जानता हूँ कि आप सभी को बहुत ही भूख लगी है, और आप सभी लोगों ने बहुत इंतजार किया है, तो ये रहा आप सभी के लिए वो खास लंच। क्या? आखिरकार पता नहीं ये क्या होगा। मजा लीजिए इस लंच का। ये तो बस उबले हुए चावल के लड्डू और पानी है। क्या आपने ये खिलाने के लिए हमें इतना चलवाया? बस मुझसे और सहन नहीं होता। सच में ये तो असली स्वाद का सीक्रेट खजाना है, जैसे कि कोई हीरे का डिब्बा। और इसके अंदर का ये बादाम सच में हीरे जैसा है। मैं देखता हूँ इसके अंदर क्या है। अरे वाह, समंदर की गहराई से निकाली हुई सब्जियाँ। इसका स्वाद मुझे जलपरी जैसा महसूस करा रहा है। मजा आ गया। ये इतना अच्छा है कि मेरे आंसू रुकी नहीं रहे हैं। ये पानी भी कितना अच्छा है, ठंडा ठंडा। इस खाने के स्वादिष्ट होने के पीछे बस एक ही राज है, और उस राज में छिपे हुए हैं मेरे बढ़िया मसाले। महंगे से महंगे मसाले भी ऐसा कमाल का स्वाद नहीं दे सकते। आप वाकई कमाल के हैं। आपका शुक्रिया। क्या हमें अदरक वाली चाय मिल सकती है प्लीज? जी बिल्कुल, मेरे पास है कुछ कमाल का। बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए। एक अच्छी गर्म चाय का मजा लेने के लिए आपको ठंड का अंदाजा भी नहीं होगा। मैं जम गया। मुझे ये समीलियर बिल्कुल